हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको नॉइस फिट लूप, ये जो स्मार्ट वॉच है, इसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ डीजो वॉच डी टॉक से। तो डीजो वॉच डी टॉक और नॉइस फिट लूप जो है वो इन दोनों में ज़्यादा सिमिलैरिटीज इवन ज़्यादा है, बट प्राइस में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो जो भी बायर्स इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में परचेज करने में जो है वो कन्फ्यूज हैं कि कौन सा जो है वो बेटर है उनके लिए, उन सभी का कन्फ्यूजन जो है मैं आपका आज क्लियर करने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं नॉइस फिट लूप से। तो इसमें आपको 1.85 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है। डीजो वॉच डी टॉक में आपको 1.8 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है। नॉइस फिट लूप में आपको 240x284 पिक्सल्स मिलते हैं एंड डीजो वॉच डी टॉक में आपको 240x286 पिक्सल्स मिलते हैं। दोनों ही में आपको 550 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है। नॉइस फिट लूप में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो डीजो वॉच डी टॉक में नहीं दिया गया है। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको 2.5D का कर्व ग्लास मिल जाता है। नॉइस फिट लूप में आपको 200+ क्लाउड बेस्ड जो वॉच फेसेस मिलते हैं एंड डीजो वॉच डी टॉक में आपको 150+ वॉच फेसेस मिल जाते हैं। दोनों ही में आपको हर्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर मिल जाता है। दोनों ही में आपको SpO2 सेंसर मिलता है। दोनों ही में आपको स्लीप ट्रैकिंग मिल जाता है। दोनों ही में आपको जो है वो स्ट्रेस ट्रैकिंग मिल जाता है। और दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप जो है ब्रीदिंग को भी ट्रैक कर सकते हैं। दोनों ही स्मार्ट वॉच में आपको फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे नॉइस फिट लूप में आपको 130 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं एंड डीजो वॉच डी टॉक में आपको 120+ स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। दोनों ही स्मार्ट वॉच से आप जो है कैलरी को ट्रैक कर सकते हैं, स्टेप ट्रैक कर सकते हैं और कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल किए वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। नॉइस फिट लूप में आपको नॉइस फिट ऐप का सपोर्ट मिलता है एंड डीजो वॉच डी टॉक में आपको डीजो फिट ऐप का सपोर्ट मिलता है। नॉइस फिट लूप में आपको 390mAh का बैटरी मिलता है एंड डीजो वॉच डी टॉक में आपको 260mAh का बैटरी मिलता है। दोनों ही में आपको 7 days का बैटरी बैकअप मिल जाता है और IP68 का रेटिंग आपको दोनों ही स्मार्ट वॉचेज में मिलता है। दोनों ही स्मार्ट वॉचेज में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिलता है और दोनों ही में आप जो है वो कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हैं। डायल पैड मिल जाता है और रीसेंट कॉल्स वगैरह के जो है वो सपोर्ट मिल जाते हैं। नॉइस फिट लूप में आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है, जो डीजो वॉच डी टॉक में नहीं दिया गया है। और दोनों ही स्मार्ट वॉचेज में आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन का सपोर्ट भी मिलता है। और दोनों ही स्मार्ट वॉच में आपको DND, म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल, वेदर अपडेट वगैरह के सारे सपोर्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और डीजो वॉच डी टॉक में आपको बिल्ट इन GPS का सपोर्ट मिलता है और ये चीज़ जो है आपको नॉइस फिट लूप में नहीं दिया गया है। अब आते हैं प्राइस पे। तो प्राइस जो है वो नॉइस फिट लूप का प्राइस है 2,499 रुपीज़ एंड डीजो वॉच डी टॉक का प्राइस है 3,499 रुपीज़। तो गाइज, इन दोनों स्मार्ट वॉचेस को देखा जाए तो लगभग जो है वो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस का ब्राइटनेस वगैरह, पिक्सल्स वगैरह सब कुछ जो है वो सिमिलर है। और यहाँ पे इन डीजो वॉच डी टॉक में आपको जो बिल्ट इन GPS का सपोर्ट मिलता है, जो नॉइस फिट लूप में नहीं दिया गया है। तो ये जो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि डीजो वॉच डी टॉक में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले नहीं मिलता है, बट आपको नॉइस फिट लूप में आपको 60 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट वाला जो है वो डिस्प्ले मिलता है। बाकी बैटरी बैकअप वगैरह, सेंसर्स वगैरह सब कुछ जो है वो दोनों ही में बिल्कुल सेम है। और एक और डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको स्पोर्ट्स मोड में। तो नॉइस फिट लूप में आपको 130 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं एंड डीजो वॉच डी टॉक में आपको 120 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। तो ये जो हो गया तीसरा डिफरेंस। तो यही 2-3 जो है वो मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं इन दोनों स्मार्ट वॉचेज में। बट प्राइस में जो है आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। नॉइस फिट लूप का जो प्राइस है वो 2,499 रुपीज़ है एंड डीजो वॉच डी टॉक का जो प्राइस है वो है 3,499 रुपीज़। तो 1,000 रुपीज़ का एक ह्यूज प्राइस गैप देखने को मिल रहा है। और अगर आप बिल्ट इन GPS को अगर आप इग्नोर करते हैं, अगर आपको उतना ज़रूरत नहीं है बिल्ट इन GPS का, तब जाकर आप जो है वो नॉइस फिट लूप के साथ जा सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको जो है वो फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के बाद ये भी GPS जो वर्क करेगा काफ़ी अच्छे से, लेकिन बिल्ट इन GPS का सपोर्ट नहीं मिलता है। बट 1,000 रुपीज़ को जस्टिफाई करता है ये प्राइस सेगमेंट में नॉइस फिट लूप जो है बहुत ही बेहतरीन फ़ोन माना जा रहा है। सो गाइज, अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।